भाई ऐसा है जो सरकार के आदेश है, हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। डीसी साहब का हम धन्यवाद करते हैं कि बाजार हमारा सुरक्षित रहेगा। पूरी चौड़े करने के लिए हम सरकार के साथ में मदद कर, नाले के ऊपर ही खड़ा है बेचारा, क्या नाले के पहिए, गाड़ी के पहिए नाले में जाएंगे क्या? ऐसे को तो छोड़ना चाहिए। सूचना मिली कि भाई सरकार हटा रही है, उससे पहले हम खुद ही हटाने लग गए। नहीं सोचा तो नहीं था, लेकिन अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इसके लिए हम डीसी साहब मैडम का धन्यवाद करते हैं। ऐसा नहीं लगता था क्योंकि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल दबाव रहता था अफसर के ऊपर, इस वजह से नहीं हो पाता था। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी के हीरा चौक में हम मौजूद है। यहाँ पर अब थोड़ी देर के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलने वाली है, लेकिन कार्रवाई चलने से पहले ही दुकानदार अपना अतिक्रमण खुद हटा रहे हैं। लोगों से बातचीत कर लेते हैं आखिर वो इस कार्रवाई के बारे में क्या कह रहे हैं। जैसा है जो सरकार के आदेश है, हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये अच्छा कार्य है कि बाजार चौड़ा हो जाए, आदमी निकलने के लिए रास्ता बने जी। सरकार की जमीन को हम कैसे घेर सकते हैं, उनकी मर्जी जब खाली कराएं। मतलब कुछ फायदा होगा इससे? नहीं, फायदा तो ये है बाजार चौड़ा हो जाएगा, आदमी आम चलने का रास्ता साफ हो जाएगा, और बुजुर्ग आदमी तो रोहतक चौक से तो गुजर नहीं सकते थे, पैदल भी नहीं जा सकते। अब कुछ बदलाव देखा है? अब बदलाव देखा है जी। अब गाड़ी भी सही मुड़ती है, आदमी भी चलते हैं। अच्छा, एक मुझे एक बात बताया, क्या आपको लगा था कभी दादरी में इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। अब जो कार्रवाई है, डीसी साहब का हम धन्यवाद करते हैं कि बाजार हमारा सुरक्षित रहेगा। और इसमें जेब कचरे भी बीच में घूमते थे भीड़ भड़क्के में, अब नहीं घूमेंगे। जो बिल्कुल नाले के ऊपर ही खड़ा है बेचारा, क्या नाले के पहिए, गाड़ी के पहिए नाले में जाएंगे क्या? ऐसे को तो छोड़ना चाहिए जी। कोई 5-6 फुट 4 फुट आकर वो रोको, अब देखो नाले के ऊपर ही खड़ी है वो, ये तो गलत है ना जी। मतलब नाले के ऊपर जो अतिक्रमण वो गलत है? नाले के ऊपर अतिक्रमण कहाँ जाए, उसके बिल्कुल सिरे पे खड़ा है चौधरा जी। चरखी दादरी में इस वक्त हीरा चौक में हम मौजूद है और ये कार्रवाई आज इस तरफ जाने वाली है। इनको दिखा दिए कितने जाला के तार बन रहे, देखियो हाथ लगाओ तो कितने पशु पक्षी भी बैठ रहे हैं जी। देखिए दुकानदारों का कहना है केवल अतिक्रमण हटाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि शहर में तारों का मकर जाल की तरह तार फैले हुए हैं, इन पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है तो ये जो तार जो फैले हुए हैं एक मकड़ी के जाले की तरह, कहीं ना कहीं शहर के अतिक्रमण में ये भी बाधा बन रहे हैं, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। रेडी वाले ज्यादा यहाँ भीड़ भड़का करते हैं उनको, ठीक हीरा चौक में, हाँ हीरा चौक में इनको भी, इनका भी समाधान होना चाहिए जी। लेकिन लोगों का कहना है कि हीरा चौक में रेहड़ियां काफी ज्यादा लगती है, उस पर भी सरकार या प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ पर आने जाने वाले को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो जी। जो कार्रवाई चल रही है कितना संतुष्ट है? अच्छी है जी। कुछ फायदा होगा? फायदा होगा। किस तरह का फायदा देखने को मिलेगा? फायदा थोड़ा हो जाएगा जी, और आने जाने की सुविधा हो जाएगी जी। देखिए इस वक्त यहाँ हीरा चौक में हम मौजूद है और यहाँ पर अतिक्रमण के चलते और रेहड़ियां लगने के चलते यहाँ से आम लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब आपको दूर दूर तक बदलाव दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए पहुँच चुका है। हालांकि अगर पीछे अगर तस्वीरें देखें तो पीछे की तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ कार्रवाई होने से पहले ही जो दुकानदार थे वो अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ी देर के बाद प्रशासनिक अधिकारी नगर परिषद कर्मचारी गुजरेंगे और यहाँ जो भी अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाएगा। हालांकि अगर आप एक बार तस्वीरें यहाँ देखें तो यहाँ काफी ज्यादा अतिक्रमण था, या कार्रवाई से पहले दुकानदार अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं, क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि वो प्रशासन का अतिक्रमण हटाने में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर अतिक्रमण हटेगा तो जाम जैसी स्थिति नहीं बनेगी। जो कार्रवाई चल रही है कितना सहमत है? कार्रवाई चल रही है, हमारे पहले से ही हमको सूचना मिली कि भाई सरकार हटा रही है, उससे पहले हम खुद ही हटाने लग गए। हम गली को पूरी चौड़ी करने के लिए हम सरकार के साथ में मदद करने के लिए। क्या कुछ अतिक्रमण हटने से कुछ फायदा होगा? हाँ फायदा होगा, जब तो ये काम हो रहा है। क्या अच्छा कर रही है सरकार? क्या आपने कभी सोचा था दादरी में इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी? नहीं सोचा तो नहीं था, लेकिन अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं लग रहा था कि दादरी शहर में इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।